बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपको शाद आबाद रखे। जो दुख तकलीफ़ें हैं उनसे अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमत करम फजल से निजात दे। इस दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं जी आगाज़। सुबह सुबह का टाइम है और मैं आया हुआ हूँ बाग की तरफ जो स्प्रे हमने की थी उसका रिजल्ट दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं स्प्रे का कितना असर हुआ है इन जड़ी बूटियों को, और अब एक महीना फिर आसानी से गुजर जाएगा। उसके बाद जो गर्मियों वाली जड़ी बूटियां हैं इनका मौसम भी ख़त्म हो जाएगा। इधर आप देख सकते हैं स्प्रे की हुई है और ये साथ वाला खेत स्प्रे नहीं की हुई, तो इतना फ़र्क पड़ता है। इस स्प्रे का मैं आपको एक और बात बता दूं कि बाग को कोई नुकसान नहीं होगा। मूंगी दी पता नहीं कितों मंडीनी है, बंदे ही बड़े ढिले ने वड्ढन वाले। ये जी कल मजदूर भाइयों ने मट्टी प्लास्टिक बिछा के ऊपर डाली थी, लेकिन अभी भी आसर भाई कह रहे हैं कि और मट्टी डालनी है। केड़ा नहीं, ये सारे सीमेंट ਨਾਲ ਹਾਰ ਸੀਮੈਂਟ ਆ ਜੀ। ਚੰਗਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਪਾਵਰ ਜਿਆਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸਾਰੇ ਸੀਮੈਂਟ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾ ਘਟੂ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਜਿਆਦੀ ਆ ਭਾਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗਵਾਇਆ ਕਰੋ। ਇਹੀ ਮੰਗਵਾਵਾਂਗੇ, ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਹਾਂ, ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਪਲਸਟਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਰੇਤ ਵੀ ਬੜੀ ਆਸਬ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੈੱਟ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੇਤ ਬਸ਼ੀਰ मैं उन्होंने आख्या सी, मैं आख्या जे चाचा रेत ना ना सही आई ते ए लोड कीती अनलोड कीती हुई जेड़ा तेन वापस लैके जानी पैनी है, पुत फिकर ना कर। नहीं, मैं उन्होंने आख्या सी भाई अगे सी काम चिणाइया दा लेंटर दा ते ओ चल जांदी सी, हुण रेत प्लस्तर दी आनी है ते सही सिट के जाई। एक सीन आपको दिखाता हूँ। आप सभी कहते हैं कि आप भाई असलम की हेल्प नहीं करते, तो इंसान एक बार हेल्प करता है, दो बार करता है, तीन बार करता है, इसके बाद किस्सा ख़त्म। लेकिन अल्लाह ताला ने जो मुझे हिम्मत दी है कि चैनल क्रिएट करके दिया है और आज माशाल्लाह उनका चैनल अच्छा भला अर्न कर रहा है, तो ये एक मुख्ताजी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अब माशाल्लाह वो अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं और चैनल को मैनेज करना, वीडियो एडिट करना, ये सारा काम मैं करता हूँ। तो यहाँ आके इस वक्त वो वीडियो अपलोड कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिग्नल माशाल्लाह बड़े क्लास के होते हैं। अभी 3:30 का टाइम है और इस सहन में इतना कचरा पड़ा हुआ है कि क्या बताएँ। ये इन्होंने आज ऊपर सारा काम किया था जिसकी वजह से ये सारा कचरा नीचे आ गया। रेत जो ऊपर डालनी थी वो इन्होंने मुकम्मल कर ली है और अब बस इसको लेवल करेंगे, उसके बाद टस्सू लगाएंगे। वो वाली कनोपी पे भी कपैल लगा ली है, अब इसकी बारी है। एक ऊपर वाली कनोपी जहाँ पे आसिफ भाई बैठे हुए हैं और एक ये नीचे वाली पोर्च वाली कनोपी, ये दो रखी हैं। दो कनोपियाँ रह गई हैं, एक जहाँ पे वो आसिफ भाई खड़े हुए हैं और एक ये पोर्च वाली। तो उसके बाद जो ऊपर वाले फ्लोर का फर्श है वहाँ पे टस्सू वगैरह लगाएंगे मिट्टी को लेवल करने के बाद, और फिर प्लास्टर का काम शुरू हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे वैसे वैसे बिल्डिंग एक वाज़ह शेप में माशाल्लाह आनी शुरू हो जाएगी। ये तकरीबन 3-4 दिन हो चुके हैं ये जो अंडरग्राउंड वायरिंग होती है पानी की और बिजली की, तो ये जो प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियंस हैं ग्राइंडर चलाते हैं, गर्द आप देख सकते हैं कि कितनी गर्द जब ग्राइंडर चलता है तो ये आती है, हर तरफ गर्द का एक गुबार सा उठा हुआ है। तो मुझे बड़ी एलर्जी होती है, मैं इस वक्त आया हूँ बाग के पौधे के नीचे बैठा हुआ हूँ छाँव में, तो यहाँ कुछ बेहतर है जी। मैं और ये क्यूटू जा रहे हैं दूध लेने चाचू बड़े के पास, कर नहीं फोन आया
मैं ही जाना तो तू अपना डोलू तो लैके नहीं आया शाहिद भाई की जो मूंगी की फसल है माशाल्लाह तकरीबन काटी जा चुकी है। दो क्यारे रहते हैं और लगे हुए हैं काटने वाले भाई। भाईजान के घर पहुंच चुके हैं और ये जो बीबी मोहतरमा है लाडली सी आज़ाद उम्मीदवार ये देखे कहाँ घूम रही है। जिते पट्ठे खाने वाली थां है उत्थे नहीं तू जाती है। चल चल उधर चल 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 है शाबाशे। आई तो चौघा का ये सब दूध लेने आए हुए हैं। मटकू ना तेरा डोलू किथे तेरा डोलू किथे दो दल करियो लेके नहीं आया दूध मैंने और शान ने ले लिया है और मटकू और रिहान वहीं पे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें जो ये भैंस है ये मारेगी इसको साइड पे करो फिर हम जाएंगे। पाज के आ जाओ पाज के शाबाश पाज के दुड़की ला दुड़की। चलो जी आ जाओ चलिए। सूरज मगरिब की तरफ गुरूब हो चुका है। मिस्त्री भाई जा चुके हैं और काफ़ी माशाल्लाह आज उन्होंने काम निपटाया है। तो जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं वैसे वैसे बिल्डिंग एक वाजी शेप में नज़र आती जा रही है। वो सिर्फ थले वाला रह गए वो जड़ा है हाँ गड्डी वाला वो रह गए बाकी सारे ने माशाल्लाह उत्ते लग गए। ये थी आज की वीडियो आज का व्लॉग। इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपने अली वीर को इजाज़त दें हम दोनों को इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। रब सोने दे हवाले रब राखा खुदा हाफिज़ फ़ी अमान।